चंद्रचूड हैं केजरीवाल की आखिरी उम्मीद। अब से एलजी बन गए हैं दिल्ली के बॉस। क्या सीजीआई दिलाएंगे केजरीवाल को न्याय? एलजी फिर बन बैठे दिल्ली के बॉस। 8 साल की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बनाया था दिल्ली का बॉस। राज्यपाल को सरकार की सलाह मानने की दी थी हिदायत। सरकार के कामों में ज्यादा दखल देने से किया था मना। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने दिए थे दिल्ली सरकार को विशेष अधिकार, पर केंद्र ने अध्यादेश लाकर पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब केंद्र ने कानून बनाकर कर लिया फिर से दिल्ली पर अधिकार। दिल्ली सेवा बिल हो गया संसद के दोनों सदनों से पारित। राष्ट्रपति ने भी कानून पर लगा दी अपनी मुहर। राज्यसभा में विधेयक को पारित होने से न रोक पाई विपक्षी एकजुटता। इस प्रकार एक बार छिन गया केजरीवाल के हाथों से कई अधिकार। अब केजरीवाल के पास बचा है सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र विकल्प। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने अध्यादेश को किया था चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में की थी सुनवाई। मामले में बनाई थी 5 जो कि संवैधानिक पीठ, जिसमें खुद सीजीआई भी है शामिल। लेकिन अब अध्यादेश बन चुका है कानून। अब देखना होगा मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या लेगी एक्शन। पूरा मामला क्या आपको बताएंगे उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। इसी के साथ अब यह कानून बन गया है। भारत सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई। इससे पहले सरकार ने 7 अगस्त को संसद से दिल्ली सेवा विधेयक पारित हो गया था। राज्यसभा ने 102 के मुकाबले 131 मतों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी। लोकसभा ने इसे 3 अगस्त को पास कर दिया था। दिल्ली सरकार के पास बचा सुप्रीम कोर्ट एकमात्र विकल्प। अब केजरीवाल सरकार के पास एकमात्र विकल्प सुप्रीम कोर्ट ही बचा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार के विवाद को सुलझाकर अधिकारों का बंटवारा किया था, जिसमें दिल्ली सरकार को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे। साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी दिल्ली सरकार के सुझावों को मानने को कहा गया था। संवैधानिक पीठ ने दिल्ली में तैनात नौकरशाहों की पोस्टिंग ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश हो पाती। इससे पहले ही केंद्र ने एक ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर कर दिया। केंद्र ने सुप्रीम फैसले के खिलाफ 19 मई को अध्यादेश जारी किया था। दिल्ली सरकार को केंद्र का यह फैसला नागवार गुजरा, लिहाजा इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। आप चाहती थी इस ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे, लेकिन टॉप कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस मसले पर सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने किया था अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा। 8 साल की न्यायिक लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में सुनाया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई को फैसला सुनाते हुए कहा था, दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर पाएगी। उपराज्यपाल इन 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य होंगे। इस फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों का स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे। कोर्ट के फैसले के 1 सप्ताह बाद ही सरकार ले आई अध्यादेश। कोर्ट के फैसले के 1 सप्ताह बाद ही 19 मई को केंद्र सरकार का अध्यादेश ले आई। केंद्र ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 लाकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया। इस अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह सचिव को इसका मेंबर बनाया गया। मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे और बहुमत के आधार पर यह प्राधिकरण फैसले लेगा। हालांकि प्राधिकरण के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल का फैसला अंतिम माना जाएगा।